जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। एयर डिफेंस क्लास आप लोगों के लिए फिर एक नया अच्छा न्यूज लेके आए हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड में, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके लिए एक शानदार वैकेंसी आई है। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ जानेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, इन सभी प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में न्यू वैकेंसी आई है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। आप किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हो, आप इंडिया में, आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब के हर वैकेंसी के बारे में हमारे चैनल के द्वारा आपको बताया जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो चैनल पर रहे हैं सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों तक शेयर करें। न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और डीवी ब्रांच का 2023 का फर्स्ट वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट नहीं है, सेकंड वैकेंसी है दोस्तों। तो आपका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो स्टार्ट हो रहा है, वो 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट होकर दोस्तों 16 फरवरी 2023 तक रहेगा, जिसमें आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 300 रुपये फीस पे करेंगे और एससी एसटी कैंडिडेट कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा उनको। और उनका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में 2023 को होगा। बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में। तो मैंने कहा था दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में आप इंडिया में कहीं से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर दोस्तों आपको इंडियन गवर्नमेंट जॉब की पूरी डिटेल्स बताया जाता है। इसमें एज लिमिट है दोस्तों 18 से 22 वर्ष दिया गया है। चलिए वैकेंसी डिटेल को और जानते हैं दोस्तों। पोस्ट वाइज जानते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी में 225 पोस्ट आया हुआ है और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में 30 पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी में दोस्तों 10+2 का दिया जाता है, जिसमें आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स वाले रहेंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे नाविक जीडी में दोस्तों। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आप सिंपल 10वीं पास हैं, बिना कुछ दिक्कत किए सिंपल 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके फिजिकल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जो सबसे ईजी रहता है इसमें 150 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए दोस्तों, उससे कम नहीं रहना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो चल जाएगा। और आपका जो चेस्ट है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसिव रहना चाहिए दोस्तों, आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलने चाहिए बस। और दोस्तों आपको जो हियरिंग प्रॉब्लम है, आपका जो वेट है वो आपके एज के हिसाब से काउंट किया जाएगा वहाँ पर। और जानते हैं यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया में, जिसमें आपको 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा 7 मिनट के अंदर दोस्तों, सबसे इजी वाला क्राइटेरिया रहता है। और आपको उठक बैठक करना पड़ेगा 20 स्क्वायर, यानी टोटल 20 स्क्वायर करना पड़ेगा और 10 पुशअप करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप इसको फॉर्म कैसे फिलअप कर सकेंगे तो मैं बताता हूँ। जो जो चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप अभी जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना फॉर्म फिलअप का डेट याद रखिएगा, क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के डेट से पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी नहीं आया होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन यदि आप बाद में देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो चुका है, आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, और आपका फिर फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा वहां पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इसके बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कोस्ट गार्ड में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि न्यू वैकेंसी आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।
तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।